वेलकम बैक। क्या हाल है गाइस, फ्लिपकार्ट और अमेजोन की सेल स्टार्ट हो चुकी है और इस सेल में स्मार्टफोन के ऊपर भर भर के डिस्काउंट मिलेंगे और इसी डिस्काउंट का मैंने भी फायदा उठाया और बाय किया वीवो का वीवो T2 Pro। फ्लिपकार्ट की फर्स्ट सेल का यूनिट है ये रहा। इस फोन का बिल अपने पैरों से बाय किया है। इस फोन को यूज करते हुए 48 घंटे हो चुके हैं और ये फोन आपको बजट में फ्लैगशिप का एक्सपीरियंस दे रहा है। तो यहाँ पर वीवो ने चीजों को कैसे कंबाइंड किया है वो सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो तो काफी इंटरेस्टिंग होगी, बट आपका एक काम अभी तक रह गया, अगर आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर देना, क्योंकि हम लोग 1 लाख की फैमिली के बहुत ही करीब है और आपकी हेल्प से हमारी 1 लाख की फैमिली पूरी हो जाएगी। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनबॉक्सिंग की बात करें तो बॉक्स में आपको सब कुछ मिलेगा, फोन, चार्जर, डाटा केबल, सिम इजेक्टर, पिन, कवर, डॉक्यूमेंटेशन, बॉक्स में सब कुछ है। कुछ भी आपने एक्स्ट्रा बाय नहीं करना है। और जब मैंने फोन को फर्स्ट टाइम हाथ में पकड़ा, इन हैंड फील काफी प्रीमियम था। मेरे पास जो कलर है वो व्हाइट गोल्ड है। अगर हल्की सी भी उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो क्रिस्टल डिजाइन बनता है, फोन चमकता जो देखने में काफी बढ़िया लगता है। एंड फोन काफी लाइट वेट भी है, 4600 mAh की बैटरी है एंड फोन का वेट 177 ग्राम है। बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें तो पूरी बिल्ड आपको ग्लास की मिलती है, बैक में ग्लास है, फ्रंट में ग्लास है और जो साइड की फ्रेम है वो आपको प्लास्टिक की मिलेगी। हेडफोन जैक गड्ढा इस फोन में नहीं है, हाइब्रिड सिम का स्लॉट देखने को मिलता है और फोन काफी लाइट वेट है और फोन को हाथ में पकड़ने पर इन हैंड फील भी काफी प्रीमियम आता है। एंड डिजाइन जो है वो आप लोगों को मिनिमल देखने को मिलेगा। कैमरा बम्प भी भाई बिल्कुल बराबर है। फोन को अगर आप लोग टेबल के ऊपर या प्लेन सरफेस के ऊपर रखोगे तो फोन में जो बम्बलिंग है वो नहीं होती। बिल्ड एंड डिजाइन के मामले में भाई वीवो ने काफी बढ़िया काम किया है। बजट में आप लोगों को यहां पर फ्लैगशिप का जो एक्सपीरियंस है वो मिल जाएगा। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में आपको 6.78 इंच की फुल एचडी सुपर एमोलेड 3D कर्व डिस्प्ले मिलती है और डिस्प्ले एक्सपीरियंस इस फोन का काफी कमाल का है। मैंने साइड बाय साइड इस फोन को Realme 11 Pro Plus से भी कंपेयर किया तो हल्की सी Vivo T2 Pro की जो डिस्प्ले वो आपको ज्यादा कर्व देखने को मिलती है। तो जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा कमाल का हो जाएगा Vivo के साथ। बाकी वाइड एवन का सपोर्ट मिलता है तो आप लोग Amazon Netflix का जो कंटेंट वो HDMI स्ट्रीम कर सकते हो, YouTube में आप लोग 4K में इस फोन में जो कंटेंट है वो प्ले कर सकते हो और फोन की जो ब्राइटनेस है इंडोर आउटडोर में मैंने टेस्ट किया 1300 nits की पीक ब्राइटनेस है। इंडोर आउटडोर में इनफ है, डायरेक्ट सनलाइट में भी फोन अच्छे से विजिबल हो जाता है तो ब्राइटनेस की कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी डिस्प्ले के कलर, सैचुरेशन, ब्राइटनेस सब कुछ अच्छे से एडजस्ट है। एमोलेड डिस्प्ले है तो कलर आप लोगों को काफी प्रीमियम देखने को मिलते हैं एंड जो डिस्प्ले के चिन्ह और बेजल्स हैं वो भी आप लोगों को बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलेंगे। तो डिस्प्ले एक्सपीरियंस जो भाई पूरा का पूरा इस फोन में आप लोगों को जो एक प्रीमियम फोन का होता है वो देखने को मिलेगा। बाकी इस फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है और जिसकी स्पीड काफी फास्ट है। मैंने इंडोर आउटडोर सभी कंडीशन में टेस्ट किया, कोई मिसटच का इशू देखने को नहीं मिला। सिंगल टैप के ऊपर फोन अनलॉक हो जाता है, स्पीड काफी फास्ट है और जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो काफी एक्यूरेट भी है। लेकिन वीवो ने यहां पर एक गलत काम कर दिया कि इस फोन में आपको सिर्फ सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है और 23,000 के अंदर सिंगल स्पीकर बिल्कुल भी बर्थ नहीं है और उसकी लाउडनेस भी आप लोगों को एवरेज देखने को मिलेगी, बेस लेवल भी एवरेज है और जो आवाज का एक्सपीरियंस है वो भी आप लोगों को नॉर्मल मिलेगा, कोई ज्यादा खास नहीं है। बाकी इस फोन में हेडफोन जैक का गड्ढा भी देखने को नहीं मिलता। 10 5G के बैंड है, मैंने 5G टेस्ट किया, 5G की स्पीड काफी अच्छी है। जैसी स्पीड मेरे को मेरे आईफोन में देखने को मिलती है, सैमसंग S20 अल्ट्रा में देखने को मिलती है, वही स्पीड आपको इस फोन में देखने को मिलेगी। तो ऐसा कोई स्पीड का इशू देखने को नहीं मिलता। नेटवर्क भी काफी बढ़िया है और 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन को भी ये सपोर्ट करता है, लेकिन सिंगल स्पीकर है और हेडफोन जैसा गड्ढा इस फोन में आपको नहीं मिलेगा। बाकी देखो जो भी फोन आपको बजट में फ्लैगशिप का एक्सपीरियंस दे रहा है उनमें आपको कैमरा भी फ्लैगशिप का देखने को मिलता है और इस फोन में आपको 64 MP का मेन कैमरा मिलता है और वीवो बोलता है इसका कैमरा प्रोफेशनल पोर्ट्रेट है। ऊपर आप लोगों को उसकी ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाएगी। फोन में मेन कैमरा 64 MP का है, 2 MP का AI कैमरा और 16 MP की सेल्फी। इस फोन में आप लोगों को अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं मिलता तो आप लोग इस फोन से अल्ट्रा वाइड शॉट्स नहीं ले सकते, लेकिन बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा दोनों से मैंने कुछ कैमरा सैंपल क्लिक किए, इंडोर आउटडोर आर्टिफिशियल लाइट में, नेचुरल लाइट में, जो सब आपके सामने है। यहां पर कैमरा क्वालिटी की बात करें तो बैक कैमरा जो कैमरा क्वालिटी आती है आपको काफी बढ़िया मिलेगी 64 MP से और कलर्स भी काफी अच्छे आते हैं। पोर्ट्रेट शॉट लिए यहां पर बैकग्राउंड बोके इफेक्ट काफी बढ़िया है, पूरा प्रोफेशनल पोर्ट्रेट जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो बैक कैमरा की जो क्वालिटी है वो आप लोगों को काफी बढ़िया देखने को मिलेगी, इसमें कोई इतनी बड़ी दिक्कत जो है वो आपको नोटिस नहीं होगी। बाकी बैक कैमरा से आप लोग 4K 30 FPS में जो वीडियो है वो रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन दिक्कत आती है फ्रंट कैमरा में। 60 MP का मेन कैमरा है जहां पर फोटो अगर आप लोग क्लिक करोगे तो हल्का जो कलर्स है वो आपको डल देखने को मिलेंगे और जो वीडियो क्वालिटी है वो भी आप लोग 1080p 30 FPS में फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी
फ्रंट कैमरा में आप लोगों को ओवर एक्सपोजर का जो इशू है वो भी देखने को मिलता है। हालांकि वीवो उसको सॉफ्टवेयर अपडेट से फिक्स कर सकता है, लेकिन वीवो को मेरा सुजेशन यही रहेगा कि अगर आप लोग कोई कैमरा वाला फोन निकाल रहे हो तो उसका कैमरा आप लोग आउट ऑफ द बॉक्स ही बढ़िया करके दे ताकि यूजर को प्रॉब्लम ना हो। बाकी इस फोन का कैमरा आप लोगों को इतना देखने को मिलता है कि आपका काम चल जाएगा, रुकेगा नहीं। डिसेंट कैमरा आपको इस फोन का देखने को मिलता है। भाई देखो, फोन ग्लास बैक के साथ आता है, इसके ऊपर स्क्रैचेस तो नहीं आएंगे लेकिन जो फिंगरप्रिंट स्मजेस है वो आ जाते हैं। बाकी फोन स्लिपरी साइड थोड़ा ज्यादा है तो आप लोगों को कवर लगा के यूज करना होगा। अगर आप लोग बिना कवर के यूज करोगे तो फोन के हाथ से फिसलने का डर काफी ज्यादा है। और भाई कर्व डिस्प्ले है और अगर ये टूटी तो भाई 6,000 से 7,000 रुपए का झटका सीधा आपकी जेब में लगेगा। बाकी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, पूरे यूआई के अंदर वीवो ने इसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया है और इसमें आप लोगों को फन टच ओएस 13 एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। हालांकि इसमें आप लोगों को बूलवेयर काफी ज्यादा देखने को मिलती है। फर्स्ट टाइम जब मैंने फोन को बॉक्स में से निकाला और टेस्ट किया तो काफी ज्यादा हॉट एप्स, हॉट गेम्स, अनवांटेड एप्स जो है वो आपको उसके अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन उन सबको अनइंस्टॉल करने के बाद एक क्लीन एक्सपीरियंस जो यूआई का वो आपको देखने को मिलता है। कस्टमाइजेशन के फीचर भी काफी ज्यादा है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी देखने को मिलता है और एज लाइटिंग जो फीचर है वो सब आपको इसके यूआई के अंदर ही देखने को मिल जाएंगे। तो यूआई के मामले में फोन काफी बढ़िया है और 2 साल के एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच की जो अपडेट है एंड 2 साल का जो मेजर एंड्रॉइड के अपडेट है वो आप लोगों को इस फोन में देखने को मिलेंगे, जो काफी बढ़िया बात है। एंड्रॉइड 14, एंड्रॉइड 15 तक आपको इसमें जो अपडेट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। बाकी यूआई एक्सपीरियंस भी काफी स्मूथ है और यूआई चलाने में हल्का सा मुझे अच्छा नहीं लगता फ्रंट टच ओएस, ऐसा लगता है कि भाई आप लोग किसी कार्टून टाइप का जो यूआई है वो चला रहे हो। एंड जो अनवांटेड चाइनीज फीचर है वो भी आप लोग को इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे कुछ कुछ जगह। तो वीवो को यूआई के मामले में इंप्रूवमेंट की काफी ज्यादा जरूरत है। बाकी सेंसर वगैरह भी इस फोन में सारे आते हैं, 4600mAh की बैटरी है, फोन काफी लाइट वेट है, 66W की फास्ट चार्जिंग है, फोन को पूरा फुल चार्ज होने में 35 से 40 मिनट लगते हैं और 6 से 7 घंटे का जो बैटरी बैकअप है वो आपको इस फोन में मिल जाएगा। परफॉर्मेंस की बात करें जो एक तगड़ा पॉइंट है, इस फोन में आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 का 5G प्रोसेसर मिलता है, 10 5G के बैंड है, 5G टकाटक चलता है, 5 लाख के आसपास इसके अंतु के स्कोर है 9 वर्जन एप्लीकेशन के ऊपर, 10 वर्जन के ऊपर आपको 6 लाख से अब स्कोर देखने को मिल जाएंगे। UFS 2.2 की स्टोरेज है तो रीड एंड रेड स्पीड जो आपको काफी बढ़िया मिलेगी, 1 GB फाइल को कट कॉपी पेस्ट करने में आपके 10 से 12 सेकंड लगेंगे। बाकी LPDDR4X की रैम है, IP52 की रेटिंग देखने को मिलती है तो हल्के फुल्के पानी के छींटे पड़ेंगे तो फोन खराब नहीं होगा। इनफैक्ट मैंने इस फोन में गेमिंग ट्राई की तो आप लोग BGMI 60fps पर इस फोन में खेल सकते हो, स्मूथ के ऊपर एक्सट्रीम के ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं और कोई ऐसा लैग, फ्रेम ड्रॉप, जिटरनेस इशू जो है वो आप लोगों को गेमिंग में देखने को नहीं मिलते और साथ में आपकी जो भी डेली और हैवी टास्क है उनको अच्छे से फोन हैंडल कर लेगा। परफॉर्मेंस भी आप लोगों को डेली एक्सपीरियंस के ऊपर काफी बढ़िया देखने को मिलती है और कर्व डिस्प्ले है तो स्क्रॉलिंग एक्सपीरियंस आपका काफी बढ़िया होगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है तो कोई ऐसी स्क्रॉलिंग में आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। बजट के अंदर पूरा फ्लैगशिप का एक्सपीरियंस जो है परफॉर्मेंस में ये फोन आपको निकाल करके देगा। भले देखो ये तो बात हो गई वीवो के वीवो T2 Pro के बारे में, ये था इस फोन का पूरा फुल रिव्यू आफ्टर 48 घंटे यूज करने के बाद, फोन कैसे काम करता है, परफॉर्मेंस कैसी है, डिजाइन कैसा है, डिस्प्ले कैसा है, बैटरी कैसे है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। बाकी ये फोन मैंने खरीदा है 22,107 रुपए में। अगर आप लोग इस फोन को खरीदने की सोच रहे हो तो अभी इसका प्राइस हाई हो चुका है, 23,000 के अंदर आपको ये फोन देखने को मिलेगा तो 23,000 के अंदर इस फोन को मत लेना। जब इस फोन का जो प्राइस है वो कम होकर के 20,000 के अंदर आ जाए तब आप लोगों को फायदा होगा इस फोन को लेने का, क्योंकि इस फोन में सिंगल स्पीकर है और भी काफी कुछ चीजें जो मैंने आपको बताई वीडियो में, आप लोग वीडियो को देख लो। तो भाई उसके बाद अगर आप लोगों को 20,000 के अंदर ये फोन देखने को मिलता है तो ये फोन आपके लिए बर्थ होगा, लेकिन 23,000 के अंदर ये फोन बिल्कुल भी बर्थ नहीं है। बाकी इतना इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि और भी वीडियो वीवो T2 Pro के रिगार्डिंग आने वाली हैं तो मस्ट आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।